अन्न अनाज शिक्षा सामग्री इसके ऊपर लगाए गए जीएसटी कर को लेकर उत्तर नागपुर आम आदमी पार्टी की ओर से बढ़ती महंगाई के विरोध में जन आंदोलन किया गया। इस वक्त आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बीजेपी सरकार यहाँ बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि मोदी सरकार ने जो बोला था कि हम 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे और अभी तक 1 लोगों को भी नौकरी दिया नहीं। और उनने मोदी सरकार ने जो खाजगीकरण किया, जो सरकारी नौकरी में जो लोगों को नौकरी मिलती थी वो उसने प्राइवेट सेक्टर में सभी को दे दिया। इसी के वजह से हमारे जो बेरोजगार है, अभी तक 7 साल में मोदी सरकार ने जो सरकार चला रही उसी ने अभी तक एक लड़के को भी उसने सर्विस नौकरी नहीं दिया। और ये कोरोना काल में अभी तक हमारे जो बेरोजगार है, अभी तक 20 लाख लोगों के बेरोजगारी कोरोना के वजह से उन्होंने बेरोजगार निकाल लिए। और जितने भी जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उसी ने पूरा प्राइवेट अंबानी यानी अंदानी को दे दिया। देश का सबसे ज़्यादा रईस अदानी और अंबानी को बना दिया। और हमारे जो गरीब लोग हैं वो गरीब के गरीब ही बन रहे। और ये 2 लोगों के हाथ में सरकार देने के बाद पूरे 2 लोगों ने पूरा सरकार बन गई और उन्हीं को पूरा देश देने हाथ में दे दिया और हमारे गरीब लोगों को हाथ में कटोरा दे दिया। ऐसे मोदी सरकार ने हमारे देश को एकदम बर्बाद किया। ये देश अभी उनका माफ करने वाली नहीं है। आने वाले चुनाव में उनको सही में यहाँ से पूरे इंडिया से भारत से सब लोग आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में केजरीवाल के सरकार के नेतृत्व में उनको यहाँ से दिल्ली से गुजरात जाना ही पड़ेगा, ऐसा हमारा ये वादा है। तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप सभी ने देखा होगा कि इन्होंने जो एजुकेशन है, जो शैक्षणिक साहित्य है, उनके ऊपर जीएसटी लगा दिए। और उस वजह से ये जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है वो बच्चों को महंगाई की वजह से वो स्टेशनरी नहीं खरीद पाएंगे, उस पर इन्होंने जीएसटी लगा दी है। इस तरह महंगाई की वजह से यानी मोदी सरकार को ये बच्चों को, गरीब बच्चों को ये पढ़ाई से दूर करना है, बड़े लोगों को एजुकेशन देना है, छोटे लोगों को एजुकेशन देना नहीं है। और इस जो महंगाई का जो विरोध करने के लिए और ये सरकार का, मोदी सरकार का निषेध करने के लिए हम यहाँ सब लोग इंदौरा चौक पर इकट्ठा हुए हैं। हम इनका, मोदी सरकार का यहाँ निषेध करते हैं।